हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम देवेश और आप देख सकते हैं मेरे पास मैकबुक है एक और ये जैसे मैंने प्रॉमिस किया था 15 इंच वाली है। तो ये मैकबुक M2 एयर है जो 15 इंच की न्यू आई है, तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम लेट्स अनबॉक्स इट। तो सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप फ्रंट में देखें तो जैसे ही हमारे को 13 इंच वाले में पैकिंग मिलती है, सेम पैकिंग है, आपको मैकबुक की फोटो देखने को मिल रही है और यहाँ पे वही कलर की मैकबुक होगी जो आपने ऑर्डर की होगी। इस बार मैंने सिल्वर कलर की किया। जो 13 इंच वाली थी वो मेरी मिडनाइट वाली थी एंड जो मिडनाइट वाली है वो भी बहुत प्यारी है देखने को। अगर आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। सिल्वर कलर है, इसमें और भी कलर्स आते हैं। टॉप पे हमें सिर्फ एक खाली मैकबुक एयर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे वाली साइड भी हमें सिर्फ मैकबुक एयर की ब्रांडिंग और थोड़ी सी और डिटेल्स जो इसमें एप्पल से रिलेटेड है कि कितने जीबी का वेरियंट है। तो ये 256 GB का वेरियंट है और इसमें 512 और 1 TB वाला भी आता है एंड जुलाई 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है और 1,35,000 की ये है। बट मुझे ये उतने की नहीं पड़ी है। मुझे 256 GB वाला 15 इंच का वेरिएंट है ये 10,000 सस्ता पड़ा है, ये 1,25,000 के आसपास पड़ा है। और साथ ही साथ 7,000 एक्स्ट्रा देके मुझे इसमें AirPods Pro Gen 2 मिल गए हैं। स्टूडेंट आईडी पे लिए मैंने इनकी, एक कैंपस सेल चलती है, आजकल चली हुई है जुलाई में। इसमें क्या होता है कि अगर आप लेते हैं तो 10% आपके मैकबुक या आपके टैबलेट पे ऑफ होता है एंड अगर आप आईपैड ले रहे हैं तो उसके साथ आपको सेकंड जेन की पेंसिल फ्री है और अगर मैकबुक ले रहे हैं तो उसके साथ आपको थर्ड जेन के एयरपॉड्स फ्री है। 1,000 रुपए और देंगे तो आपको मैक्सेव वाले थर्ड जेन मिल जाएंगे और 7,000 और देंगे तो आपको एयरपॉड्स प्रो सेकंड जेन देखने को मिल जाएंगे। अगर इसकी अनबॉक्सिंग आप देखना चाहते हो ना तो मैंने की है और मैंने बहुत सारे एयरपॉड्स और सैमसंग के बड्स की अनबॉक्सिंग भी की है। इनकी जो फेक कॉपी आती है ना, जो नेक्स्ट लेवल वाली कॉपी होती है जिनमें आप फर्क नहीं बता सकते, उनकी अनबॉक्सिंग भी की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे वो मिल जाएगा। राइट साइड पे एक एप्पल लोगो है और ये भी उसी कलर का है सिल्वर, और लेफ्ट साइड पे भी एप्पल लोगो है। तो एप्पल लोगो भी उसी कलर का होता है जिस कलर की आपकी मैकबुक होती है। तो इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम में थोड़ी सी डिटेल्स आपको देखने को मिल सकती है कि ये मैकबुक एयर है, M2 चिप वाली है, 15 इंच की है और थोड़ी और इसकी डिटेल्स देखने को मिल जाती है इसमें। और आपकी वही एप्पल की जो दो सील्स होती है वो देखने को मिलती है। तो इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारी मेन मैकबुक है 15 इंच वाली, इसको अलग रख देते हैं। बहुत सुंदर लग रही है और हैवी और स्टर्डी भी लग रही है। अब ये आप देख सकते हैं ये आपकी केबल है और ये आपकी चार्जिंग केबल है मैकसेफ वाली। एक टाइप से आपकी सी टाइप होती है, दूसरी टाइप से आपका मैकसेफ होता है और ये दोनों साइड लग जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो केबल का कलर है थोड़ा सा सिल्वर की टिंट में है और अगर आप इसमें बाकी कलर लेते हैं तो उनकी केबल्स भी उसी कलर के हिसाब से होती है। यहाँ पे आपको डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा हुआ मिल रहा है एंड अगर इसके पीछे आप देखें कितनी बढ़िया सी बढ़िया सपोर्ट है बैक पे, तो एप्पल की भाई अनबॉक्सिंग हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त है। और ये आपकी थोड़ी सी मैकबुक एयर की डॉक्यूमेंटेशन, क्विक स्टार्टर गाइड और यहाँ आपके थोड़ी और डॉक्यूमेंटेशन और आपके सिल्वर कलर के एप्पल के स्टिकर्स। अब ये जो एप्पल के स्टिकर्स है ये भी कलर के हिसाब से ही होते हैं, सबको पता है कि अगर जौन से कलर के आप मैकबुक ले रहे हो उसी कलर के मैकबुक स्टिकर्स मिलेंगे आपको और ये काफी अच्छी क्वालिटी के भाई स्टिकर्स भी, नेक्स्ट लेवल है। लास्ट हमें एक पावर ब्रिक देखने को मिल रही है। तो ये हमारी पावर ब्रिक है और ये आप देख सकते हैं अलग हो जाता है। तो ये वाली जो पावर ब्रिक है ये 70 वॉट्स की, अब इसके साथ बाय डिफॉल्ट कम वॉटेज की पावर ब्रिक आती है, आई थिंक जो 35 वॉट्स की थी। उसमें एक फ्री अपग्रेड था कि अगर आपको 70 वॉट्स की लेनी है तो आप फ्री में ले सकते हैं। जो मैंने 13 इंच की ली थी उसमें 2,000 देने पड़े थे, उसमें 67 का मिला। तो इसकी डिटेल्स यहाँ है, मैंने 70 वॉट का ही लिया और इसका क्लिक भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत जबरदस्त क्लिक है इसका। तो काफी ढंग से ये अच्छी क्वालिटी का सामान है यार। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो 70 वॉट वाला चार्जर है ना यार, 70 वॉट वाला चार्जर साइज में छोटा है एज कम्पेयर टू आपका 67 वॉट्स वाला। अभी आपका 67 है या 70 है, तो यार देख लो 70 वाला थोड़ा एडवांस और छोटा है। एंड केबल्स तो आप देख ही सकते हैं ऐसा फर्क है केबल्स में थोड़ा थोड़ा। तो ये जो सेम कलर की देते हैं ना बहुत जबरदस्त लगती है। तो इसको खोल लेते हैं। तो बहुत सुंदर सा सिल्वर कलर है। अब कलर की बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें 4 कलर आते हैं, 13 इंच वाली में भी 4 कलर आते हैं। सेम कलर्स हैं दोनों में, चाहे 13 लो चाहे 15 लो। एक आपका सिल्वर होता है, एक आपका मिडनाइट होता है, एक आपका स्टारलाइट होता है और एक आपका जो इनका स्पेस ग्रे सिग्नेचर कलर है हर मैकबुक का वो भी आता है। तो इसका फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। प्लेन बैक है आपकी, बॉटम पे आपको यहाँ पे बस पकड़ने के लिए खोलने के लिए जगह मिल रही है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें आपको एक मैकसेफ पोर्ट देखने को मिल रहा है और दो टाइप सी पोर्ट्स है और आपके थंडरबोल्ट पोर्ट्स होते हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड की बात करो तो लेफ्ट साइड पे आपका सिर्फ एक 3.5 mm का हेडफोन जैक है। बॉटम की बात करें तो आपको 4 एंटी स्लिप पैड्स देखने को मिल जाते हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के और काफी
उठे हुए भी हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और स्क्रूज़ हैं इसमें थोड़े से, और थोड़ी और इसमें डिटेल है मैक के बारे में। और बाकी आपकी पूरी मैकबुक अगर मैं आपको दिखाऊं, क्लीन है, बिल्कुल साफ, कुछ भी नहीं है। टॉप का आपका लेजेंडरी आधा खाया हुआ सेब, जिसके सबसे ज़्यादा पैसे ये ले रहे हैं, बट नो डाउट इसकी क्वालिटी भी होती है। तो ये आपका एप्पल का लोगो, तो इसको खोल लेते हैं। जैसे आपकी मैकबुक स्टार्ट होती है हेलो नमस्ते करके अलग अलग लैंग्वेज में, और अगर मैं आपको ये पूरी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड्स आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आपका जो इसका टच पैड है वो थोड़ा बड़ा है, और स्क्रीन तो बड़ी है ही, पर स्क्रीन का इसका जो डिज़ाइन है वो एकदम आपका 13 इंच वाला है। तो इसको मैं एक बार फटाफट से सेटअप कर लेता हूँ और फिर हम आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गई है, और भाई स्क्रीन साइज इसका बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी भी नहीं लगती है। वैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, मतलब ये वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट 15 इंच का लैपटॉप इसको एप्पल बोल रहा है। देख सकते हैं एकदम सेम है जैसे आपकी बाकी भी होती है, इनफैक्ट जो 13 इंच वाली वो भी एकदम सेम काम करती है। और अगर इसमें हम अबाउट मैक में देखें, M2 8GB वाला वेंचुरा 3.4 मिल जाता है। हाँ, अभी हमें नई अपडेट आई है तो उसको हम कर लेंगे 3.5 की, एंड यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स इसकी है। स्क्रीन की बात करें तो यार बहुत ज़बरदस्त और प्यारी स्क्रीन है, और अगर मैक की बात करें तो आपकी कीज़ वगैरह भी बढ़िया है। वैसे जनरली लोगों को ज़्यादा कीज पसंद नहीं आती जो टाइपिंग के शौकीन होते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जो इसको बहुत फास्ट और अच्छा तो बनाता है, पर जो आपकी थोड़ी फील है कीज़ की वो थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो बाकियों में भी था। अब इसमें स्पीकर थोड़े ज़्यादा है, एक काम करते हैं हम इसको कंपेयर कर लेते हैं हमारी 13 इंच वाली के साथ, कि कितना साइज़ में फ़र्क है और कैसी है देखने को क्या फ़र्क है। वैसे सच बोलूं ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों मैकबुक है, अभी आपकी 15 इंच वाली सिल्वर में है और 13 इंच वाली आपकी मिडनाइट कलर में है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, इसमें ना आपको फिंगरप्रिंट दिख रहे होंगे, ये इस कलर की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, बहुत जबरदस्त फिंगर मैग्नेट है। तो आपको दिखाता हूँ, इसमें फिंगरप्रिंट्स ना एकदम लग जाते हैं, और इससे ना इसकी शो थोड़ी खराब हो जाती है, अदरवाइज ये कलर बहुत प्यारा है। साइज में अगर मैं आपको फर्क दिखाऊं तो फर्क है भी और नहीं भी, 15 और 13 इंच स्क्रीन में फर्क बहुत होता है, पर अगर आप एक्चुअली देखें इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1-on-1 अगर आप देखें तो सिर्फ इतना सा फर्क है, तो ज्यादा फर्क नहीं होगा कैरी करने में, बट फिर भी स्क्रीन साइज में फिर भी बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। मैं साइड से भी दिखाता हूँ, ये इसकी साइड अब आप देखें बराबर ही है यार, थिकनेस कोई फर्क नहीं है, बराबर थिकनेस की मैकबुक्स है। अगर मैं आपको इसकी मैकसेफ वाली दिखाऊं, डिफरेंस जो है ना नेग्लिजिबल है, मतलब सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और साइज में तो आप देख ही सकते हैं 15 इंच वाली उतनी ही मोटी है जितनी 13 इंच वाली, हार्डली कोई फर्क होगा यार अगर होगा तो। सिल्वर कलर की एक बात देखिए, इसमें फिंगरप्रिंट ना शो नहीं होते, आप देख सकते हैं सेम ही है। तो अगर मैं आपको फ्रंट स्क्रीन्स दिखाऊं सेम है, बॉटम भी सेम है, तो जरा एक बार डिफरेंस देख ही लेते हैं। तो फर्क सिर्फ देखो इतना है कि इसका जो ट्रैक पैड है ना उसका एरिया ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है साइज में थोड़ा बड़ा है तो ट्रैक पैड को ज्यादा एरिया मिल रहा है। इसका कंपैरेटिवली छोटा है, बट नॉर्मल लैपटॉप्स के मुताबिक जो आपके दूसरे होते हैं ये काफ़ी बड़ा है, मतलब विंडोज में आपको इतना बड़ा नहीं मिलता, और फिर इसमें तो थोड़ा जंबो साइज आ गया आपका। और साथ ही साथ अगर आप साइड्स देखें तो साइड्स में इसमें हमारे को कम जगह मिलती है और इसमें ज़्यादा, क्योंकि आपको डिस्प्ले का एरिया कवर करना है, बट इन साइड्स का कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है ये साइड्स। और कीबोर्ड एकदम सेम है, कीबोर्ड का साइज में कोई फर्क नहीं है, फुल कीबोर्ड है दोनों में जितना है, और फिंगरप्रिंट भी आपका एकदम सेम है दोनों में, तो इसमें आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं फुल ब्राइटनेस पे है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो इसका आपका CPU आता है 256GB में, वो 8-core CPU और 8-core GPU आता है, बट जो इसका 256GB में वेरिएंट आता है वो 8-core CPU और 10-core GPU आता है। और इसमें जो स्पीकर है वो 6 हैं, और इसमें जो आपके स्पीकर हैं वो 4 हैं, और कोई मेन मेजर डिफरेंस नहीं। और ये भी जो यार CPU GPU वाला डिफरेंस है या फिर जो आपका स्पीकर का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लाता, ये सिर्फ आपका मेनली साइज के लिए। अब बैटरी इसमें बड़ी है इसमें छोटी है, पर इसकी स्क्रीन छोटी है, तो एप्पल क्लेम करता है कि दोनों की बैटरी बराबर 18 घंटे का बैकअप देती है। काम करते हैं इनमें ना कोई गाना चला के देखते हैं। तो ये फुल वॉल्यूम पर है, अभी मैं आपको वॉल्यूम कम करके दिखाता हूँ। तो इसमें भी आपका फुल साउंड पे चल रहा है। Girl,
तो ऑब्वियसली बात है यार, इसमें दो एक्स्ट्रा स्पीकर है तो इसमें दम और लाउडनेस थोड़ी ज्यादा है, अदरवाइज स्क्रीन आप देखें और साउंड क्वालिटी आप देखें तो दोनों की सेम है भाई। आप इनमें वीडियो देख सकते हैं चली हुई, स्क्रीन क्लैरिटी अगर मैं दिखाऊं तो दोनों की बराबर है, कोई फर्क नहीं है, बस ये बड़ी स्क्रीन है तो उसका थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा। दूर से भाई ये है साउंड, मैंने अभी ऑफ किया क्योंकि हम सिर्फ डिस्प्ले क्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो भाई यही थी इस M2 Air की वीडियो 15 इंच वाले की। अभी 15 इंच वाला नया आया था M2 Air, इसलिए मुझे लगा कि इसकी वीडियो आपके लिए होनी चाहिए, तो मेरे हैंड्स ऑन आया ये तो मैंने इसकी बना दी। तो एक क्विक सी अनबॉक्सिंग वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक इट, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।